नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास भी है कोई फ़ोटो और वो एक कलर फ़ोटो है और आप उसे फ़ोटोशॉप में ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। कई जगह सरकारी वेबसाइट पे या जॉब के लिए लोग या वेबसाइट ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की डिमांड करती है, तो यहाँ पे हमको दिक्कत आ जाती है। तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कैसे बनाएं फ़ोटोशॉप में, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं, आपके पास कोई सा भी हो, सेम काम करता है सब में, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इसके बाद आपका फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है और आपका फ़ोटो जहाँ पर भी है उसे ओपन कर लीजिए। तो मेरा फ़ोटो डेस्कटॉप पर ही है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। हमने एग्जाम्पल के लिए शाहरुख खान का फ़ोटो लिया है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसे पासपोर्ट साइज़ में क्रॉप कर लेते हैं, शायद आपको भी करना होगा। तो इसके लिए आपको वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाल देना है 35 और यहाँ डाल देना है आपको 45। रेजोल्यूशन में आप डाल दीजिए 100 और यहाँ पे आप इसे पिक्सल इंचिस या सेंटीमीटर ऐसे रहने दीजिए और क्रॉप कर लीजिए अपने हिसाब से जितना आप करना चाहते हैं। तो मैं अपना कर लेता हूँ, हमें थोड़ा मूव कर लेते हैं इसको और एंटर कर लेते हैं। तो हमने इसे इतना क्रॉप कर लिया है, तो ये आ चुका है, आप देख सकते हैं फ़ोटो। तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। दो फोटो हमने ली है ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो हमने दो फोटो कर ली है, ये हम इस वाली फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट करेंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आप अपनी फ़ोटो के नाम पर क्लिक करें, ऊपर की तरफ नाम पर क्लिक करें और कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+A। Ctrl+A कर लीजिए तो साइड में यहाँ पे लाइन लाइन आ जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि ये पूरी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा फाइल, एडिट, इमेज, लेयर। तो इमेज पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट आपको दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके सामने लिखा होगा Shift+Ctrl+U। तो उस पर क्लिक करें और आपका फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, आप देख पाएंगे। अगर ये तरीका काम नहीं करता है तो दूसरा तरीका आप देख लीजिए। आपको अपने फ़ोटो को फिर से सिलेक्ट करना है, फिर से आपको इमेज पे क्लिक करना है, मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे ग्रे स्केल कर देना है, ओके करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेगा और प्रोसेसिंग होने में टाइम लग सकता है अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप धीरे चल रहा है। और यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर प्रोसेसिंग दिखाने लग जाएगा नीचे की तरफ और आपका फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, तो आपको डिफरेंस साफ दिख रहा होगा। तो बाकी का जो सिलेक्शन है ये हटाने के लिए है, आप इसको हटाने के लिए Ctrl+D प्रेस करें और आपका फ़ोटो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।